ज़ुबैदा बेगम आपके रवैये से बेहतरी की उम्मीद नजर नहीं आ रही। अगर ये घर टूटा तो इसके जिम्मेदार सिर्फ आप और हम हों। तो शामत की अगर कोई तस्वीर होती ना तो हूबहू तुम्हारे जैसी होती। एक बात याद रहे, आज से हमने अपना खाना पीना अलग कर लिया है। अपने शौहर को और अपनी बेटी का खाना हम अपने हाथों से बनाएंगे जब तक इस घर में रहेंगे। तुम्हें फिक्र करने की अब जरूरत नहीं है। तुम्हारी नफरत इस दर्जे तक पहुंच जाएगी, मैं सोच भी नहीं सकता था, अंदाजा भी नहीं लगा सकता था मैं। सुमरिन के पापा, हमने ऐसा क्या कर दिया? हमने तो बस रिश्तों को इतना कायम रहने दो कि कल को मेरा भाई मेरी मैयत को कांधा दे सके। मैंने मुनासिब ही समझा है कि फाइल पड़ी हुई कि जिस तरह हमारी इज्जत की धज्जियां सरेआम बिखेर दी जाए, शरीफ बाइज्जत बावकार माँ बाप की ना खल्फ ना मुराद औलाद कहलाएं, बेहतर यही सोचा है कि घर में बैठकर तकसीम की बात कर ली जाए। फाइल है, इसको उठाइए और देखिए मेरी कंपनी तुम्हारी मेरी मिल्कियत में जो जो चीज़ें थीं उसकी सारी फहरिस्त बना ली गई है। बराबरी की बुनियाद पर रुपया पैसा हमारा ज़मीन शेयर्स जो कुछ भी है वो आधे आधे तकसीम होंगे। मेरी जो मालूमात थी वो सारी मैंने इस पे लिख दी है। अगर आपके पास कोई मालूमात है तो आप मुझे बता सकते हैं। फाइल उठा के देख लीजिए। ये मामला तो वकील के देखने के होते हैं। गौरी साहब तो मेरे वकील रहे नहीं, अब कंपनी के वकील हैं। कंपनी के मामलात देखते हैं। अपना वकील कर लिया है, बस फाइल को स्टडी करेगा और मैं उसी के मशवरे पे चलूंगा। और अपना मशवरा मुझे देगा तो I'll let you know. I want to say something. याद है आपको जब बचपन में आप मुझे साइकिल सिखा रहे थे तो मैं गिर गया था और मेरे घुटने छिल गए थे, और आपने मुझे कहा था कि रोहित उठो, गिरो और फिर से उठो, और यही जिंदगी गुजारने का फन है। आपने मुझे कहा था चचान कि मुझे मायूस मत करना रोहित, लेकिन शायद मैंने आपको मायूस कर दिया। मशकूर मियां, अब जबकि सब कुछ तय हो ही गया है तो जाते जाते उस मासूम बच्चे को जो अपने माँ बाप के सीने के बजाय आपके सीने पे चढ़ के सोया करता था, आपको अपना दोस्त, अपनी दुनिया, अपना सब कुछ समझता था, उसको बताते जाइए
कि आपका वो प्यार, वो मोहब्बत, वो लाड, सब कुछ झूठ था फरे। और ये नौजवान आपका कुछ नहीं लगता, हम आपके कुछ नहीं लगते। ऐसा करो, गाड़ी की चाबी लिखा हूँ। चले गए कहीं, कहीं चले गए। अम्मी क्या क्या कह रही हैं? नहीं गए अब, कहीं चले गए, छोड़ के हम सबको चले गए कहीं। अम्मी अम्मी, पता नहीं कहाँ चले गए तुम्हारे अब्बू, चले गए तुम्हारे अब्बू। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जिशान, सॉरी यार, सुबह सुबह तुम्हें डिस्टर्ब किया मैंने। अरे नहीं यार, कोई बात नहीं, मैं बस जिम से ही आ रहा था। खैरियत? यार वो चचा जान फजर के वक्त के गायब हैं, लापता हैं। नॉर्मली तो वो जब भी कहीं जाते हैं हमें बता के जाते हैं, लेकिन यूं इस तरह उनका चले जाना कुछ समझ नहीं आ रहा।
अच्छा अच्छा, मैं वायरलेस पर चलवा देता हूँ। वैसे अंकल मशकूर का पूरा नाम मशकूर सिद्दीकी है ना? हाँ, मशकूर सईद सिद्दीकी। आप अच्छा जान, ये अब्बा जान जरा बात करना चाह रहे हैं, ये बात करो। हाँ हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। हाँ वालेकुम अस्सलाम बेटा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मशकूर मियाँ के साथ एक बहुत पुराना मसला, क्योंकि इलाज के बाद तकरीबन ख़त्म हो गया था, उनको नींद में चलने का मर्ज है। बचपन में वो अम्मा के साथ सोया करते थे, अम्मा उनके हाथ में डोरी बांध के अपने हाथ में बांध लिया करती थी। बड़े होते होते इलाज के बाद तकरीबन ये मर्ज जाता रहा। मुझे डर है कि ये मर्ज दोबारा लौट ना आया हो। अच्छा अंकल आपने मुझे बता दिया। वैसे मैं अभी वायरलेस पर चलवा देता हूँ, लेकिन आम तौर पर इस बीमारी को स्लीप वॉकिंग भी कहते हैं। मेरी अम्मी को भी यही शिकायत थी। अच्छा आप जरा रोहिल को फोन दें, मुझे उससे कुछ समझाना है। हाँ मैं दे रहा हूँ। क्या दे? ये हाँ जशा। हाँ रोहिल, ऐसा करो कि अंकल को उन जगहों पर तलाश करो जहाँ से उनका जज्बाती लगाव हो। हो सकता है कि वो अपने किसी पुराने दोस्त के पास या किसी फैमिली में से किसी के पास चले गए हों, तो जिससे वो बहुत ज़्यादा करीब हो। बाकी मैं तुम्हें थोड़ी देर में अपडेट करता हूँ। ठीक है, थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चलो आओ बेटा, जल्दी चलें। कुछ भीगे से
शिकवे थे लब पे जो कुछ भी है रखा वो बताऊं तो कैसे भला मेहरबान मोहब्बत है ये इश्क कयामत है और तू मेरी हसरत है मेहरबान जो बात अधूरी थी वो तुमसे मुकम्मल है हर दर्द का तू हल है अच्छा देख रही हैं आप कुछ नहीं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं हम बस हो गए आप तो उठाए क्यों नहीं मुझे अब गहरी नींद सो रहे थे इसलिए नहीं उठाया चलें आप चाय बनाइए तैयार होके आते हैं से पूछोगे नहीं कि मेरी तबीयत कैसी है आपको आपको क्या हुआ ना यू बैक इन वन पी हाय जमशेद मुझे सब याद है मैंने सुबह उठना आया अम्मा की खबर पे जाना वो तो याद नहीं लेकिन रात को फाइल उठाना बड़े भाई से बदतमीजी तुम्हारे गमजदा अल्फाज और बेजान की आंखों में आंसू ये सब याद है बात दरअसल ये कि समरीन के रेस्टोरेंट कंपनी के जरिए खोलने का जो आइडिया था ना वो कोई अपना ही दे सकता है बस वो मैंने ये आइडिया एक बाप बन के सगा मेरी गलती हो गई आपकी कोई गलती नहीं है चचान मैंने भी अपनी राय देने में थोड़ी जल्दबाजी का मुजाहरा किया इज ऑल चलो ये भी ठीक है मेरा भरम रखने का शुक्रिया और रही बात समरीन की तो वो कितना सीरियस है उस रेस्टोरेंट खोलने में तो भाई इतना मैं और आपके अब्बा रोजाना सुबह की वॉक के बारे में सीरियस है ना दैट एक्सप्लेन्स इट ऑल बट अगर फिर भी आपको मेरी मदद की जरूरत हुई तो बस आप हुक्म कर दीजिएगा नहीं मैं जानता हूँ शहजादी को उनके उतार चढ़ाव को जब वो टिक जाएंगे ना कहीं बता दूंगा मैं आपको और अब आखिरी बात गौरी को फोन करना है और उसको बताना है कि ये बंटवारा और ये
स्प्लिट जो है ये नहीं होगा, ठीक है? तो वो बात तुम करोगे। ये जो कॉल हो रही है उठाने वाले उठा। अरे भाई तुम कंपनी के सीईओ हो ना, तो बताओ। शाबाश। नॉट फेयर। हुआ वही जो मैंने आपसे पहले कहा था। बेटा एक बात कान खोलकर सुनो, जब बात हमारे सुहाग की या औलाद की आती है तो हम किसी की नहीं सुनते। आप अच्छी तरह जानती हैं आपके अब्बा जान मौत के मुंह से निकल कर आए। फिर जो रुपया पैसा हमें मिलना था, इसका हमने क्या करना था? चाटना था? तो फिर मेरा रेस्टोरेंट वाला प्रोग्राम कैंसिल, उसको तुमने कौन सा नेक नियति से करना था बेटा? मम्मी आप कितनी बदल गई हैं। हम नहीं बदले बेटा, हालात बदल गए। हमारी तो जिंदगी का एक ही मौकफ है, आप और आपके अब्बा जान। इससे बढ़कर हमें कुछ नहीं चाहिए। हम अल्लाह की रजा में खुश हैं कि उन्होंने हमें बेटा नहीं दिया, सिर्फ बेटी दी। हमने हमेशा आपको बेटों से बढ़कर चाहा। आपने जो करना चाहा हमने कभी मना नहीं की। लेकिन बेटा इस वक्त अब्बा जान की सेहत का मामला है, हम कुछ भी कर लें। हम जानते हैं आपके अब्बा जान बड़े भैया से दूर नहीं रह सकते। मीजान मैं सीरियस हूं, मुझे रेस्टोरेंट चाहिए। इस वक्त इस बात को भूल जाओ। इस बात का अपने अब्बा जान के सामने जिक्र भी नहीं करना। आप जानती हैं डॉक्टर ने सख्ती से मना किया कि उनके सामने किसी किस्म की परेशानी ना आए। कोई भी परेशानी उनके लिए जहर कातिल है। आप ऐसा करें, घर में सुकून से बैठे। अगर घर में नहीं बैठ सकती तो ऑफिस ज्वाइन कर लो। नहीं जाना मुझे ऑफिस, नहीं करनी रोहिल की नौकरी। तो क्या ऑफिस सिर्फ रोहिल का है? जी, ताया जान और अब्बू जान ने उसे ही मालिक बनाया हुआ है। उसके हुक्म के खिलाफ तो पत्ता तक नहीं हिलता। देखो, ठंडे दिल से मेरी बात सुनो, भूल जाओ इन बातों को, अपने अब्बा जान के बारे में सोचो, उनकी ख्याल रखो, उनकी खिदमत करो बेटी बनकर। इस वक्त उनको आपकी जरूरत है बेटा। आप जानती हैं ना, आपके अब्बा को दूसरी जिंदगी मिली है। बड़ी मोहब्बत जाग रही है अपने सरताज के लिए। मोहब्बत सोई कब थी जो जागेगी? मेरे लिए तो सब कुछ आपके अब्बा जान है। और औरत की मोहब्बत निकाह से बंधी होती है बेटा। उफ़ अम्मी, इससे पहले कि मैं हवश खाकर गिर जाऊं, अपने ख्यालात अपने पास रखें। मुझे स्टूडियो जाना है, चलती हूँ मैं। एक मिनट, अपने अब्बा से मिलकर जाना, उनकी दुआ लेकर जाना। मिल लिया है, दुआएं भी ले लिए, वो मुझसे सेट है। ठीक है, चलती हूँ। अच्छा बात सुनो, इधर आओ। The office. आपके लिए सूप। कैसी तबीयत है आपकी? बेहतर है बेटा, जीती रहो। मुझे मालूम था बीजान, ये जो होने जा रहा है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप सबको एक दूसरे की इतनी आदत है, इतनी मोहब्बत है एक दूसरे के लिए। ठीक कहा बेटा तुमने, हम सबको आपस में एक दूसरे से बहुत मोहब्बत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, और ये सब कुछ
हमने अपनी सास से सीखा, कमाल की खातून थी। और बच्चों के लिए तो उस्ताद थी। देखा नहीं तुम मशकूर मियां कहां से मिले? उनकी आरामगाह से। क्योंकि इन दोनों भाइयों को यकीन है कि इनकी माँ आज भी इनके साथ है। हाँ, आई एम श्योर। जिस तरह आप जिक्र करती है ना अपनी सास का, लगता है बहुत कमाल खातून होंगी। कमाल की खातून। मैंने कभी बताया नहीं आपको, लेकिन जिन्होंने मुझे पाला वो मेरी सगी माँ नहीं थी बीजान। मैं जब 5 साल की थी ना, तो वो मुझे ले गई थी। मेरे अंदर खलूस, एहसास, मोहब्बत, जिम्मेदारी सब उन्हीं की दी हुई है। और जब इस बात का इंकशाफ हुआ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि मेरे लिए माँ तो वो ही थी ना। बस ये बात मैंने कभी बताई नहीं किसी को। और आप ये जो मेरे खानों की तारीफ करती हैं, ये भी उन्हीं का सिखाया हुआ है। अल्लाह ताला तुम्हारी माँ को करवट करवट सुकून अता फरमाए, उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। जिस औरत ने माँ ना होते हुए भी माँ का हक बखूबी अदा की, कमाल की खातून होंगी। बीजान, मुझे नहीं मालूम माँ कैसी होती है, लेकिन आपको और अम्मी को देख के लगता है कि माँ ऐसी होती होगी, है ना? मेरी बच्ची, देखो जो मोहब्बत होती है ना, ये सदका जारिया होती है। मैं हमारी सास से मिली, हम आपको दे रहे हैं और आप ये आगे बांटिए। आपकी हर बात में एक मैसेज होता है बीजान, कमाल है। कल मैं क्लास में जाके पहला टॉपिक यही रखूंगी। गुड बेटा, यही तो आपको सिखाना है। मोहब्बत फतेह आलम है, इसकी हमेशा जीत होती, हमेशा। रोहेल बेटे। जी शशियान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक। आप खुद क्यों आई, आप मुझे बता देती? बेटे आपसे बात ही नहीं हो पाती। असल में हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, आपने अपने चचा जान का बहुत ख्याल रखा। क्यों शर्मिंदा कर रही हैं आप? चचा सिर्फ मेरे चचा नहीं बल्कि मेरे दोस्त भी हैं, उनका ख्याल रखना तो मेरा फर्ज था। बेटे हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। बड़े भैया और आपके चचा के दरमियान जो लेन देन के मामला चल रहे थे वो तो समझो खत्म हो गए, और
समरीन ने ऑफिस पे छोड़ दिया था, उसका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बेटा इससे कोई मुस्तकबिल तो नहीं है ना। हम चाहते हैं कि वो फिर से ऑफिस ज्वाइन कर ले, अगर आप इजाजत दे दो। जिन जिन मामलात का जिक्र आप कर रही हैं, वो तो चचान की सेहत की खराबी के साथ ही खत्म हो गए थे। अब्बा जान ने सख्ती से मना किया है कि चचान के सामने ऐसी कोई भी बात नहीं होनी चाहिए। रही बात समरीन की, तो मैंने तो उसे पहले ही कहा था वो जब चाहे ऑफिस आ सकती है। उसका ऑफिस उसी तरह पड़ा हुआ जैसा वो छोड़ के गई थी। उसकी इस महीने की सैलरी भी उसके अकाउंट में जा चुकी है। आप क्यों परेशान हो रही हैं चाची? हम हैं ना। ये लीजिए। इतनी ज्यादा? हाँ हाँ, पूरा पूरा पैन है इस बार। ओहो, जी जी जी, देख रहा हूँ। बहुत गर्म है। जी 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 जी, गर्म है बहुत। नहीं मशकूर मियां, ये हम लोग अब फार्म हाउस क्यों नहीं जा रहे शहर के लिए? इस बहाने हम भी कहीं चले जाते थे। इस बात का गिलाव अपने शोहर से कीजिए। कई बार प्लान बने और उन्होंने मना कर देने के टाल दिया। अब आप ये देखिए ना कि शहर के शोर और धुएं वाली फिजा से दूर पुरफिजा मकाम पे ताजा हवा में सांस लेना कितना अच्छा है सेहत के लिए और ज़हनी सुकून के लिए कितना बेहतरीन है। जी जी जी, बनाते हैं प्लान वहां जाने का, बनाते हैं। मशकूर मियां, हमारी ना रोहेल मियां से बात हुई थी समरीन के बारे में। वो कह रहे थे कि समरीन ने ऑफिस जाना क्यों तर्क कर दिया, जबकि अब तो उन्होंने काम सीखना शुरू किया था। ये नई नस्ल अपनी मर्जी की मालिक है बीजान, नसीहत किसी की लेते नहीं, और बड़ों के मशवरे इनके लिए ओल्ड फैशन्ड है। समरीन की तबीयत से वाकिफ है, मेरा ताज्जुब है कि वो इतने दिन तक दफ्तर कैसे जाती रही। आप उनसे ऑफिस जाने का कह के देखें, आपकी बात नहीं टालेंगे। आप कहती हैं तो मैं बात करूंगा उससे। मशकूर मियां, हम तो इसलिए कह रहे थे कि कल को समरीन की शादी होगी तो उसके शोहर को भी उसकी हैसियत का अंदाजा होना चाहिए। नहीं, हमारा जमाना तो है नहीं कि जब लड़की की काबिलियत सिर्फ अमूर खानादारी को समझा जाता था। आजकल लड़कियां अगर अपने पैरों पे खड़ी होती हैं तो ये खुद एतमादी की बात है। जी जी, मैं बात करूंगा उससे, करूंगा। विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेसेस लाइक बंबोर और ठट्टा की शाहजहां मस्जिद। मुझे लग रहा है कि यू नो, एक महीने में 4 एक्टिविटीज प्लान होनी चाहिए और हर संडे को एक डिफरेंट एक्टिविटी हो बच्चों के साथ। व्हाट डू यू से? हाँ, अच्छा आइडिया है। मुझे लगता है रोहेल, अगर बच्चों के साथ उनके पेरेंट्स को भी लेके जाया जाए तो बच्चे ज्यादा खुश होंगे। नहीं, अच्छा आइडिया। व्हाई डोंट यू मेक अ प्लान? अभी नहीं, मे बी एक हफ्ते में, क्योंकि 15 दिन बाद तो हाँ छुट्टियां आ रही हैं बच्चों की। आप तो ज्यादा किसको। हेलो, क्या मैंने डिस्टर्ब कर दिया? नहीं, नॉट एट ऑल, बल्कि तुम भी अपना इनपुट दो हमें। तुम्हें पता है ना, चचा अनएम्प्लॉयज के बच्चों के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी प्लान करते रहते हैं, तो हम भी उस ट्रेडिशन को जारी रखना चाहते हैं। यू कैन ऑलवेज सजेस्ट, बताओ क्या कर सकते हैं। हाँ, मेरे ख्याल से उन्हें किसी बड़ी फूड चेन ले जाओ और खुल के खाना खाने दो बस। यार देखो, गरीब के बच्चों को ऐसा खाना कहाँ नसीब होता है। अच्छा खाना खाएंगे, तुम्हें दुआएं देंगे। आई थिंक तफरी के साथ साथ तालीम भी हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इस तरह बच्चों को एहसास होता है कि वो माशरे का अहम हिस्सा है। काफी
बोरिंग सोच है तुम्हारी। वैसे समरीन, तुमने हमारे एम्प्लॉयज के बच्चों को गरीब के बच्चे कह के पहली बात तो एक गलत बात की है, दूसरा हमारा सारा आइडिया फ्लॉप कर दिया तुमने। मैं जा रही हूँ अंदर, एंजॉय करें आप लोग, मैं प्लान बना के आपसे शेयर करती हूँ। रोहेल ये ना अपने आप को एंजेलिना जॉली समझती है ना? Anyway, ऑफिस कब आ रही हो तुम? तौबा करो, मुझे नहीं करनी तुम्हारी नौकरी।